नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 67 सीटों के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 69 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। चुनावी मैदान में उतरे तमाम दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तराखंड में जहां सत्ता का संघर्ष बीजेपी और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा है, वहीं यूपी में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। हालांकि दावे के हिसाब से बढ़त मिलने का दावा सभी दलों की तरफ से है। आज के मतदान के साथ ही हम बात करेंगे यूपी के सियासी समीकरण की, जहाँ पर ना तो कोई लहर है और ना ही किसी मुद्दे का असर, लेकिन बावजूद इसके मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदाताओं का ये उत्साह क्या कुछ कहता है, इस पर बात होगी। साथ ही यूपी का ये चुनाव कई नेताओं के लिए राजनीतिक वजूद का सवाल भी बन गया है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शामिल। बहन जी के संकेत बता रहे हैं कि चुनावी माहौल उनकी पार्टी के पक्ष में है, तो वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को भी लगता है कि जय और वीरू की जोड़ी को जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार परिवर्तन की बात कर रही है। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा उनकी नैया को पार जरूर लगाएगा। ये दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई दिग्गजों के लिए ये चुनाव उनकी साख का सवाल बना हुआ है। अपने गढ़ के साथ साथ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना भी इन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती। आज लोकतंत्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में गढ़ और मठों का टूटना कितना जरूरी है और उसे बचा कर रख पाना कितनी बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की वोटिंग का दौर पूरा हो चुका है। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की 70 में से 69 सीटों पर वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 67 सीटों पर 65% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और आज जिन जिलों में वोटिंग की गई है, उनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं शामिल रहे। दूसरे चरण में 42 महिला उम्मीदवारों समेत 721 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। दूसरे चरण का चुनाव समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुआ। यहां पर 6 जिलों में तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हार जीत में काफी अहम फैक्टर साबित होते हैं। उधर देवभूमि उत्तराखंड में सभी 13 जिलों की 69 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। बीएसपी के उम्मीदवार के निधन की वजह से कर्णप्रयाग में अब 9 मार्च को वोट पड़ेगा, यानी कि 70 में से 69 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। एक सीट बाकी है जहां पर 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में 628 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन सभी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तराखंड में 68% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में आने जाने वाले 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को टिकट दी गई। वैसे उत्तराखंड के इतिहास में अब तक जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को बारी बारी से समर्थन दिया है। पिछली बार दोनों पार्टियों में सिर्फ 1 सीट का अंतर था और इसीलिए इस बार ये देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता आखिर फैसला क्या करने जा रही। तो देवभूमि उत्तराखंड की 69 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। तकरीबन 68% से ज्यादा लोगों ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया है। बेहद दिलचस्प इस बार उत्तराखंड के चुनाव हैं, क्योंकि तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एन वक्त पर पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। साथ ही वोटिंग प्रतिशत जिस तरीके से सामने आया, 68% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, ये क्या कुछ संकेत देता है। या तो देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 67 विधानसभा सीटों पर आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। तमाम सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश आज अपनी इस चर्चा के दौरान करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। लखनऊ स्टूडियो से 5 मेहमान आज हमारे साथ हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है प्रदीप सिंह जी आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चंद्रभूषण पांडे जी हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे जयदेव सिंह यादव जी, आप प्रवक्ता हैं। जयदेव सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। हम उनसे समझेंगे कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो क्या कुछ कहता है। साथ ही लोक दल के पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं प्रदीप सिंह जी आपसे ही करता हूँ। रिएक्शन देवभूमि उत्तराखंड को लेकर भी और उत्तराखंड में जो सेकेंड फेज की वोटिंग हुई है उसको लेकर भी संक्षेप में जवाब आप सभी मेहमानों से जरूर चाहूंगा। ये वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ कहता है,
चाहे देवभूमि उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान। अच्छा जी, बढ़ावा वोटिंग प्रतिशत इस बात का द्योतक है कि हरीश रावत सरकार को सरकार को धोखा देकर और जो जनता के विश्वास के साथ छल करके जो दूसरे दलों में गए हैं, निश्चित तौर पर उनको सही स्थान पर पहुंचाने की कोशिश होगी उत्तराखंड की जनता की। जहां तक रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति, सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी की स्थिति क्या है? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाम ने भी ये तय कर लिया है कि जिस तरह की महत्वाकांक्षा के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को में बंटवारा करने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर उसको माकूल जवाब होगा। और नोटबंदी का असर पूरी तरह दिख रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगभग किसानों का बहुत बड़ा असर होता है वहां पर, तो किसान मजदूर का जो अलायंस होता है निश्चित तौर पर इसका असर नोटबंदी का असर पड़ा है। और हमें लगता है कि ये मतदान प्रतिशत जो है गठबंधन के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के पक्ष में जाएगा और एक बड़ी संख्या के साथ, बड़े जनसमर्थन के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन उभर कर आएगा। ठीक है, इस बार साख का सवाल भी है। राजेंद्र शर्मा जी, आपकी पार्टी की भी साख दांव पर है। चौधरी अजीत सिंह की बात की जाए तो चौधरी अजीत सिंह के भी माथे पर शायद इस बात को लेकर बल होंगे कि जनता उनका सपोर्ट करती है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही हम जिक्र कर रहे हैं। दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, क्या स्थिति देख रहे हैं, आज की वोटिंग क्या कहती? किसानों में, गाँव में, खेतिहर मजदूरों में लोकदल का जनाधार बढ़ा है, लोकदल लोकप्रिय हुआ है। अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी ने काफ़ी बड़े प्रयास किए हैं, हमारा संगठन भी सजग है, उसी का परिणाम है मतदाता जागरूक हुआ है। मतदाता को ये भी एहसास हुआ मतदान मेरा अधिकार है। हमने सब जगह ये भी प्रयास किया कि अधिक से अधिक मतदान हो, हमारा भरोसा है किसानों के, गांव के लोगों के बलबूते पर कि बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी विजयी होंगे, क्योंकि किसान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मजदूर के जाती है। नोटबंदी का असर सबसे ज्यादा किसान पड़ा है, गरीब पर पड़ा है। इस सारे मामले को लेकर के भी लोकदल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, हमारा विश्वास है बड़े पैमाने पर लोकदल प्रत्याशी विजय होंगे। ठीक है, चंद्रभूषण पांडे जी मैं आपके पास आता हूँ। बीएसपी सुप्रीमो जिस तरह से संकेत दे रही है, हालांकि तीसरे चौथे चरण का जो प्रचार है वो अभियान चल रहा है, सभी उसमें जुटे हुए हैं, उनका संकेत जिस हिसाब से मिल रहा है उससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिल रही है दो चरणों में, और बीजेपी को कहीं कहीं जिस तरह से वो संकेत दे रही है कि बीजेपी निराश है, माथे पर बल है, ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, मायावती जी को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा कि वो भविष्य कथन की ओर अब जा रही राजनीति छोड़कर। देखिए, जो सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के कुशासन से आम जनता बदहाल हो चुकी है और कांग्रेस भी उससे बहुत दिनों पहले तक सहमत रही है। आज उत्तर प्रदेश में सिचुएशन ये है कि आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। किसानों का जहाँ 6,000 करोड़ गन्ना का बकाया एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहीं जो है हर घंटे एक बलात्कार, एक हत्या, ये आम बात हो गई थी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या आम बात। मथुरा का कांड हो, चाहे वो बुलंदशहर में गैंगरेप का मामला हो हाईवे पर, ये सारे मुद्दे गंभीर मुद्दे रहे। भर्ती घोटाले उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिए, युवाओं में घोर निराशा है। पिछले 5 सालों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके हाथ खाली पड़े हैं। ये सारे जो निराशा है, हताशा है, जो इस तरह का लूट है, और विकास एक शून्य हो गया है, और सरकार जो केंद्र सरकार के पैसे आए वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, इन सब का परिणाम आप इस वोट के प्रतिशत को बढ़ते हुए देख सकते हैं। हम निश्चित रूप से 90 से अधिक सीटों पर अब तक जो 140 सीटों पर चुनाव हुए, हम बढ़त बनाए हुए हैं और बहुत ही स्पष्ट एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ हम आ रहे हैं। मायावती जी को पता है कि वो उनके जीवन के, शायद राजनीतिक जीवन का ये अंतिम सर्वोत्तम चुनाव होगा, क्योंकि बसपा पार्टी के आधे कैडर तो ऐसे ही बाहर हो चुके हैं। शेष रही सही कसर इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बाद उनकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है 40,000 से अधिक अपराधी पेरोल पर छूटे हुए हैं, जगह जगह अपराध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी फोरेंसिक लैब नहीं है, उसका नतीजा ये है कि मथुरा कांड का जो मुख्य अभियुक्त है उसका डीएनए टेस्ट आज तक। ठीक है सर, यानी आपकी पार्टी को लगता है कि जो दो चरणों का जो मतदान अब तक हुआ है उसमें संतुष्टि जाहिर की जा सकती है, जगदेव सिंह यादव जी? हाँ, निश्चित। ठीक है सर, जगदेव सिंह यादव जी, चुनाव में आपकी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोस्ती किस तरह का गुल खिलाती नजर आ रही? फिलहाल ये दो चरण की बात हम कर रहे हैं।
देखिए युवाओं ने भारी संख्या में मतदान किया है, अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए बहुत काम किया है, बेरोजगारी रोजगार देने काम किया है, लैपटॉप देने काम किया है, अब स्मार्टफोन देने जा रहे हैं जी। और नौजवानों का विश्वास अखिलेश यादव में बढ़ा हुआ है। किसानों के लिए गन्ना किसान बात करते हैं, हमने घाटे मिल चला के पैसा दिया है, मजदूरों के लिए बहुत काम हुआ है, 5 अरब से ज्यादा योजनाएं दी गई। मैं खुद श्रम विभाग देख रहा हूं। सर आज जिन 67 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से आपके गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही, आकलन किया होगा आप लोग? हमारे गठबंधन को 50 सीटें करीब मिलेगी। आप पहली बार देखिए 34 सीटें मिली थी और 10 सीटें पर भाजपा सिमट के रह गई थी। हमने माइनॉरिटी क्लास के लिए, किसान के लिए, नौजवान मजदूर के लिए ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं जिसमें काम नहीं किया है। प्रदेश की जनता का, नौजवानों का, किसानों मजदूरों का विश्वास अखिलेश के नेतृत्व पर है, दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और आगे जो योजनाएं हमने जारी की है बीजेपी ने उसकी नकल की है। और नोटबंदी का भयंकर असर है, सारा देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, 11 मार्च के बाद आगे की जो नीतियां होंगी खत्म हो गई, 11 मार्च के बाद मोदी की विश्वासता खत्म हो गई है, उनके नेतृत्व में उंगली उठने लगी है। आप क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल? अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है मोदी मुकाबले में, साथ ही दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है ये मतदान क्या कुछ कहता है? देखें पिछले कई चुनावों से दिखाई पड़ रहा है मतदान 10 साल पहले तक के जो चुनाव मतदान का प्रतिशत 50 तक के आसपास ठहरता था, इधर लगातार मतदान के प्रतिशत बढ़े हैं, पहले चरण से भी ज़्यादा मतदान इस चरण में हुआ है। इसकी सीधी सी वजह यह है, दो तीन बड़ी वजह है। पहली तो युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, दूसरा चुनाव आयोग ने मतदान करने के लिए जो अभियान चलाया उसका भी असर रहा है। इसके अलावा पार्टियों ने भी अपनी तरफ से मोबिलाइजेशन बहुत ठीक किया है मतदान का प्रतिशत। इसके अलावा ये जो चरण है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का चरण है, आमतौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता है, वो कमिटेड वोटर है और कमिटमेंट के साथ वोट डालते हैं। इस चुनाव में 30% 35% तक, कहीं कहीं तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 80% तक भी है, रामपुर के कुछ क्षेत्र हैं। और देखें तो 30-35 तो चाबी मुस्लिम मतदाताओं के पास है, लेकिन मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम कर आया, इस बार इस चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक का मिथ है वो टूटने जा रहा है जी। मुस्लिम वोट बैंक मानते हैं ना कि वो एक तरफ जाते हैं, मैंने युवाओं में देखा तो 50+ के लोगों के सोचने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन जो यूथ मुस्लिम है जी, जो नौजवान लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं या जो कुछ करना चाहते हैं जी, उनकी बड़ी संख्या है, उनके सोचने का तरीका थोड़ा प्रोग्रेसिव हुआ है, वो बेहतर लगा मुझे जी। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मुस्लिम पोलराइजेशन उस तरह नहीं हुआ है, तो मुस्लिम वोट बटे भी हैं। पिछले चुनाव में 33-34 सीटें, ये सपा का गढ़ है जी। सबसे ज्यादा नुकसान मुलायम सिंह ने किया है अखिलेश का, ये कह के कि अखिलेश मुसलमान विरोधी हैं, मुसलमानों का भरोसा नहीं रह गया, ये इन चीजों ने नुकसान जरूर पहुंचाया अखिलेश को। यानी आपको लगता है कि इस बार जो गढ़ में सेंध की बात हम कर रहे हैं, एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आप सभी मेहमान बने रहिए, उसके बाद फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं एक बात और करना चाहता हूं जी। भाजपा कहती रही है और अमित शाह कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ सपा से है, तब गठबंधन नहीं बना था और लगातार कहते बसपा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे जी। अब अमित शाह का बयान आया है कि पहले चरण और दूसरे चरण में उनकी लड़ाई बसपा से है, तो फिर वो एक गलत बयानी करके कुछ डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस चुनाव में बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बसपा की तरफ भी वोट गया है, पोलराइजेशन हुआ है और सपा गठबंधन को भी यूथ का देखा मैंने। ठीक है सर, अब एक रिपोर्ट दिखा देते आते हैं, लेकिन बहुत ही नेक टू नेक टक्कर जी। हाँ, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, आप सभी मेहमान भी इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज ये कहा कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा, साथ में ये भी दावा किया कि दूसरे चरण में भी उन्हें एक तरफा वोट हासिल हो रहे हैं। उनका दावा कितना सही है,
इस मायने में यूपी के चुनाव बड़े दिलचस्प भी नजर आ रहे हैं। अभी तक के राजनीतिक समीकरणों की अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक इस बार यूपी में सियासी दलों और राजनेताओं के गढ़ और मठ दोनों खतरे में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में ना कोई लहर है ना किसी मुद्दे का सर, फिर भी जनता बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये चुनाव कई नेताओं के लिए राजनीतिक वजूद का सवाल भी बन गए हैं। मायावती भी उनमें से एक है। 2012 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएसपी को लगातार नाकामी मिली है, इसलिए मायावती ने इस बार साल भर पहले से अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। अब पिछली बार से 5% ज्यादा वोटिंग से मायावती के हौसले बुलंद हो गए हैं। मायावती ने तो अपने पक्ष में एक तरफा वोटिंग का भी दावा ठोक दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा देखा तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मैं समझ गई कि इनको बहुत कम सीटें मिलने वाली हैं, तो कई दूसरे और बाकी चरण में इनका सत्यानाश ना हो जाए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तो उनको ये सब नाटक मीडिया में करना पड़ा। बीएसपी और आरएलडी का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 140 सीटों पर मतदान हो चुका है। यहाँ मायावती की साख दांव पर लगी हुई है तो राष्ट्रीय लोकदल ने तो जाटों की इज्जत का सवाल बना दिया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत कहे जाने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस गढ़ में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद बीजेपी ने सैन लगा दी है। अजीत सिंह अपने गढ़ के साथ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने में भी लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी को जाटों की नाराजगी की वजह से इस नए दुर्ग पर पिछली बार मिली जीत खतरे में दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने जाटों को मनाने के लिए चांद तारे तक तोड़ कर लाने जैसे वादे कर डाले। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। दूसरे चरण की 67 सीटों में से 34 सपा के पास थी। इनमें से चावा, मेनपुरी, औरैया और बदायूं की सभी सीटें समाजवादियों के पास रही हैं। लेकिन सपा की कलह के बाद बागियों के भितरघात और बिगड़ी छवि की वजह से इनमें से कितनी सपा को मिलेंगी कहना मुश्किल है। सपा के अखिलेश विरोधी नेता कहीं निर्दलीय तो कहीं आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के गढ़ और मठ कितने महफूज रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टी को नए किले और दुर्ग जीतने की उम्मीद अब भी बरकरार है। हम तो सवेरे से ही खबर पा रहे हैं कि साइकिल की रफ्तार बढ़ती जा रही है और तीसरे चरण तक जब तक चुनाव आएगा, जैसे हमारा एक्सप्रेसवे चल रहा है रफ्तार से, उससे ज्यादा रफ्तार से हमारी साइकिल यहां पर चलेगी। और याद रखना, जो साइकिल से छूटे वो फिर पता नहीं लगेगा कहां रह गए। यही हाल कांग्रेस का भी है। अमेठी, रायबरेली अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। मायावती ने तो ऐलानिया तौर पर कह भी दिया, गांधी परिवार की पहचान रही अमेठी रायबरेली में हालात ये हैं कि समझौते के बावजूद कई जगह सपा कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार बागी हो गए हैं। पार्टी को एक विधायक जिताने के लाले पड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने तय कार्यक्रम के तहत रायबरेली में प्रचार शुरू नहीं किया क्योंकि ऐसे में प्रचार के बावजूद हार तय मानी जा रही है। अमेठी, रायबरेली गांधी परिवार को सांसद भले ही बना दें, लेकिन विधानसभा में वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान कर वोट बर्बाद नहीं करते। राजनीति में भी गढ़ और मठों का टूटना जरूरी है। इसके लिए मतदान के जरिए अभिव्यक्ति भी जरूरी है क्योंकि हिंदी के मशहूर कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की मशहूर लाइन है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सब। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव कई नेताओं के लिए राजनीतिक वजूद का सवाल बना हुआ है, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी एक हैं। हालांकि ये खतरा सभी सियासी दलों के ऊपर मंडरा रहा है और मायावती जिस तरह से दावे कर रही हैं, इन दावों के पीछे आखिर क्या वो वजह नजर आती है जिससे मायावती को लगता है कि तमाम दिग्गजों के गढ़ इस बार टूटते हुए नजर आएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जिक्र भी जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती कर रही है कि इस बार तो कांग्रेस का गढ़ भी सुरक्षित नहीं है, यह हाल सभी राजनीतिक दलों का है, कितना खतरा देख रहे हैं? अच्छा जी, मायावती जी का यह बयान भी आपने देखा होगा कि मायावती जी ने अभी एक सभा में ये बात कही कि अगर हम सरकार नहीं बना पाते, अगर हमारी सीटें कम आती है तो हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। ये बात तो तय हो गई, यहीं से ये बात तय हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी ने अपनी हार तो आपके गठबंधन के साथ जाने की बात भी तो नहीं कही है, उसको भी तो नकार दिया।
नहीं, पहले सबसे पहली बात उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि वो सत्ता से बाहर हो रही है और ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बनाने वाली हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही कि आपने देखा होगा जब जब भी संकट की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक खेमे में नजर आते हैं और तीन तीन बार मिलकर इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम ने यह बात यह तय कर लिया है, अकलियत ने यह तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश के किसानों ने यह तय कर लिया है, विद्यार्थियों ने यह तय कर लिया, युवाओं ने यह तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर इन्हें हम इतनी भी सीटें नहीं देंगे कि मिलकर गठबंधन करके पोस्ट पोल अलायंस करके सरकार की स्थिति में आ पाए। और आज उत्तर प्रदेश की युवाओं को यह चीज दिख रही है कि रायबरेली अमेठी का जिक्र पहले कर लीजिए, है ना, रायबरेली अमेठी का जिक्र कर लीजिए, क्या वहां पर किसी तरह का खतरा दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से सवाल उठाए हैं, सवाल उठने भी लाजमी है ना कि समझौता आप दोनों के बीच जरूर हुआ सीटों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद लोग बागी हो गए, बगावत पर आमादा हो गए, नुकसान नहीं होगा इसका? देखिए, अब ऐसी बागी किसी भी राजनीतिक दल के जो बागी लोग बागी जो सिद्धांतों से इतर हट के कोई बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये जनता ने उसे हमेशा नकारा और इस बार भी नकारेगी। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने गढ़ के में अब सारे प्रत्याशी हमारे जीतेंगे, हमारा विश्वास है। जगदेव सिंह जी, और फिर वही बात मैं कहना चाहता हूँ, नहीं ये अच्छी बात है, गठबंधन की बात आप कर रहे हैं और गठबंधन पर भरोसा भी है। जगदेव जी, ये भरोसा कायम रहेगा? क्योंकि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जाता है कि आग वहीं पर होती है जहां पर चिंगारी अगर नजर आ जाती है। देखिए, दो नौजवानों का साफ सुथरी छवि, ईमानदार छवि वालों का ये गठबंधन है और नौजवान आज पूरी तरह से इस गठबंधन के पक्ष में है और बड़ी उम्मीद है कि देश प्रदेश को चलाने के लिए जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम छेड़ी और हर क्षेत्र में काम करके दिखाया, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब सबके लिए, महिलाओं सबके लिए काम किया, वृद्धों के लिए काम किया है, आप निश्चित मानिए। और मायावती की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मायावती तो वोटों की सौदागर है, ये टिकट पैसा लेके टिकट बांटती है। और आपने ये भी देखा कि 5 साल मायावती गायब रही, नहीं दिखाई पड़ी, और चुनाव के बाद फिर दिल्ली दिखाई पड़ेगी। और इसके अलावा मायावती ने अपराधियों की बात करते हैं, आज सबसे बड़े अपराधीगर हैं तो मायावती के यहाँ है, मायावती कुछ बोलने के लायक ही नहीं है, ये भ्रष्टाचार की जननी है, इनके कार्यकाल में 21 मंत्री जेल में हत्याएं हुई भ्रष्टाचार की वजह से, और रैया में सिंह तक की हत्या हुई। तो सर, मायावती आपकी सरकार भी तो कटघरे में रही है और सबसे ज्यादा मुसीबत तो आपकी पार्टी के लोग ही बने हैं। मुख्यमंत्री देखिए मुसीबत वो अलग बात है, मैं कह रहा हूँ कि जब जो है सोना जब जो है तरा जाता है तो निखार आता है, अखिलेश यादव जब तरासा जाता है तो हीरा बनता है। सर ठीक है, नहीं आप लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव हीरा है, काम किया है, लेकिन आपकी पार्टी के जो आप संरक्षक हैं, आप लोगों के मुताबिक जो आपकी पार्टी के संरक्षक हैं, शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, वो तो लोकदल के कैंडिडेट के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो गढ़ तो आप लोगों का भी खतरे में है। नहीं है इटावा में सुरक्षा है, आज भी यहाँ पे बयान दिया है, इटावा में दिया है, और नेताजी का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पे, संगठन और जो हमारे जो गठबंधन कैंडिडेट पे है, ऐसा भ्रम में कतई मत रहिएगा। और नेता सबका सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा खुशी नेताजी को होगी और सबसे ज्यादा सम्मान नेताजी का होगा, नेताजी से जानते हैं, नेताजी लगातार कहा है और पार्लियामेंट तक में कहा है कि अखिलेश ने बहुत अच्छा काम सरकार में, कभी कभी कोई बातें हो सकती है, छड़ी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई स्थायी बात नहीं है। आज पूरी तरह वो समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में है और चाहते हैं अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री, लगातार बयान दे चुके हैं। ये कैसी चाहत है, ये बता दीजिए कि बात कि चाहत बेटे की है कि वो मुख्यमंत्री बने, ये बात सही है, वो बार बार कहते हो गया है, लेकिन लोकदल के प्रत्याशी को आशीर्वाद दे रहे हैं। लोकदल कौन से लोकदल, किसकी लोकदल की आप बात कर रहे हैं, किसके लोकदल की बात कर रहे हैं? नेताजी अपने भ्राता के चुनाव प्रचार के लिए वहाँ लोकदल कैंडिडेट, नाम भी बता दूं, आरएलडी के बात कर रहे हैं, आशीर्वाद देके आए राजेंद्र सिंह चौधरी के लड़के अनिल के बाद, राजेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ है, कुछ ही नहीं, कमेंट उनसे ले लेते हैं, तक नहीं है किसी गांव में, किस लोकदल उसकी बात के मतलब नहीं, वो खुद चल के गए थे नेताजी के बाद अपनी बात कहने के, नेताजी उसको स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, और कोई भी लोकदल के मतलब नहीं है,
लोक दल है अगर कहीं अस्तित्व में तो राष्ट्रीय लोक दल है, जिसके नेता चौधरी अजीत सिंह है। अनिल सिंह का लोक दल से क्या मतलब है? आज जनता का भरोसा उस पर, जितना काम कर दिया माइनॉरिटी क्लास के लिए, सबके लिए, पहले बार 34 सीटें मिली थी, अब की 50 से ज्यादा सीटें यहाँ मिलेंगी। और आप लोगों ने तो स्टार प्रचारक भी बनाया ना नेताजी को, मायावती और पहला नाम उनका था गठबंधन है, तीन तीन बार सरकार बनाई, एबीटी आशीर्वाद भी आपकी पार्टी के कैंडिडेट को जनता जानती है। इसमें सुधार कर लीजिएगा, मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लोकदल से मेरा कोई संबंध नहीं है। और यादव जी ने सही कहा, लोकदल नाम की कोई चीज प्रदेश में ऐसी पार्टी है ही नहीं, वो नाम की पार्टी है लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, खेती और मजदूर की पार्टी है, गांव की पार्टी है, हर गांव के आदमी की हमदर्दी उसके साथ है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भ्रम भारत सरकार के मुखिया ने देश के किसानों और गरीबों के बीच में डाला था, भावना और गुस्से का फैसला अस्थाई फैसला होता है। किसान और गांव का आदमी सच्चाई समझ गया है, चाहे गन्ने के पेमेंट पर प्रधानमंत्री जी बोलते हो, चाहे गांव और किसान के बारे में बोलते हो, सब सारी चीजें झूठ निकली, भ्रम फैलाया गया, जनता इस धोखे में नहीं आने वाली है। ईमानदारी से गांव, गरीब और किसान जो है इस बार राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में पश्चिम में वोट किया है, भविष्य में करेगा। हमारा नेता जयंत चौधरी ने जो भरोसा दिलाया है कि हम बनने के बाद 8 दिन में किसान आयोग बनाएंगे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएंगे, और नौजवान के लिए जो नौजवान को कहा गया था हम करोड़ों लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, वो सारा झूठ निकला। हम योजना बनाएंगे कैसे नौजवान को रोजगार मिले, इसलिए मुझे मेरा भरोसा है, चाहे प्रथम दौर रहा हो द्वितीय दौर रहा, अधिकांश सीटें पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाएंगे। सर लेकिन किसी का साथ तो चाहिए होगा, क्योंकि आरएलडी इस स्थिति में तो नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना ले। गठबंधन में आप लोग शामिल नहीं हुए, बीजेपी के साथ आप लोग जाएंगे नहीं, लगातार कह रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत है, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल भावना भड़का करके लोगों का मत प्राप्त करना चाहती है, भ्रम टूट गया, जनता के मन में साफ हो गया जी। कुछ नारे दिए जाते, उस नारे के बल पे अब जनता वोट नहीं देने वाली। हम सेकुलर हैं, सेकुलर पार्टी के साथ जाएंगे, हमारा प्रयास होगा और चुनाव में पूरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को। चंद्रभूषण पांडे जी, एक कमेंट आपसे इस पर जरूर लूंगा, उसके बाद हमें ब्रेक के लिए रुकना है। जो सेकुलरिज्म की परिभाषा दी जा रही है, पहले तमाम तरह की बातें सामने आई हैं और अब कहा जा रहा है कि हम सेकुलर लोगों के साथ में जाएंगे। आप लोगों के साथ जाने की तो कोई बात है नहीं, संभावना नहीं है, साफ इनकार कर रहे हैं। अभी भी गुंजाइश देख रहे हैं क्या आरएलडी भी शामिल हो जाएगी? देखिए, ये कहीं ना कहीं से सेकुलरिज्म, जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, ये काट की हाड़ी है और ये बार बार नहीं चढ़ती जनता के बीच में। ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आज जनता के लिए मुद्दा है रोटी, कपड़ा, मकान, उसका आर्थिक सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश में गरीबों की दुर्दशा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली, सिंचाई, कृषि निवेशों की व्यवस्था, भर्ती की संस्थाएं, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या उच्च शिक्षा आयोग, इनके सम्मान की बहाली, युवाओं में व्याप्त निराशा दूर करना, और कहीं न कहीं किसानों में जो मंडियों में उनका शोषण हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदारी नहीं हो रही है, धान खरीद और गेहूं खरीद में बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश कुशासन और भ्रष्टाचार, गायत्री प्रसाद जैसे लोग इनके रोल मॉडल हो चुके हैं, जो राहुल गांधी के भी रोल मॉडल है और अखिलेश यादव के भी रोल मॉडल है, तो आज उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बहुत भयावह दौर से गुजर रही हैं। और इन परिस्थितियों में आज 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 जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम दावा करते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि उसका कारण यह है। अरे आज 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 हम सरकार, आज हमारे 14 राज्यों में सरकारें हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 17 करोड़ से अधिक वोटर हमारे साथ दिल्ली में रहे, सुन नहीं सकते, इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनकी हताशा और फ्रस्ट्रेशन यहाँ दिख रही है, इनके चेहरे देखिए, हवाइयां उड़ी हुई है। ठीक है सर, सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो संकेत दे रहे हैं कि चुनावी माहौल उनके पक्ष में है, तो सत्ता पक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी को भी कुछ यही भरोसा है। बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है और कांग्रेस को लगता है कि ये दोस्ती उनको खूब रास आने जा रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, जो आज के चरण की बात की जाए तो ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि ये तो उनका गढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंध का खतरा उन्हें भी है। बहुजन समाज पार्टी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। यहां पर क्या कुछ स्थिति भारतीय जनता पार्टी अपने लिए देख रही है जो आज के चरण का मतदान हुआ है? देखिए, ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं और आज के जो 67 सीटों में मतदान हुआ उसमें हम बहुत ही
आशा से कहीं अधिक हम परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास जो माइक्रो लेवल पर हमारे लोग हैं, वो जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें ये समझ में आ रहा है कि जाति और धर्म की बाउंड्रीज भी टूटी है और तीन वर्ग स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं इस चुनाव में। एक तो किसान के रूप में दिख रहे हैं, दूसरा युवा के रूप में, तीसरा महिलाओं के रूप में। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके चलते महिलाओं में भी जातियों की बाउंड्री टूटी है। वो भाजपा के साथ एक सुशासन और अपनी सुरक्षा का रास्ता देख रही है, क्योंकि आए दिन बलात्कार, शोषण, छिनैती, ये रास्ता भी मुद्दे उनको परेशान करते हैं। आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो टिकट उस समुदाय के लोगों को नहीं दिया जाता, फिर भरोसा क्यों करें और कैसे करें? एक भी नहीं, देखिए टिकट ही एकमात्र किसी की भागीदारी या साथ का एकमात्र समाधान नहीं है। आप ये देखेंगे कि हमारी जितनी भी योजनाएं, जैसे मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, तो 50 लाख से अधिक घरों में अभी तक हमने उत्तर प्रदेश में जो चूल्हे बांटे, हमने जाति नहीं पूछी, हमने धर्म नहीं पूछा। उसमें 2 लाख से अधिक मुस्लिम परिवार के लोग हैं जिनके घरों में चूल्हे पहुंचे हैं। तो देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी जो योजना जनधन खाते हमने खोले, उसमें ढेर सारे परिवार मुस्लिम परिवार है जिनके घर, जिनके पास खाते नहीं थे। 60 सालों में कांग्रेस उनका शोषण करती रही। आप याद करिए, जब राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से चलने वाला पैसा 100 पैसे में से 15 पैसे पहुंचता है, आज हम पूरा का पूरा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, 100 का 100। ये सारी जो कोशिश हमारी है, उस कोशिश के लाभान्वित होने वालों में मुस्लिम देने में हर दलित भी है। पिछले आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं कि मायावती तो खुले मन से कह रही है कि हमने इतने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिए हैं, फिर ये नैतिक अधिकार भी तो नहीं है? मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जाति और धर्म के आधार पर जो लोग बांट करके राजनीति कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि भारत के संविधान का पहला पन्ना सभी राजनीतिक दलों को पढ़ लेना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, भूषा के आधार पर भेदभाव के लिए कोई अवसर नहीं है। एक जन एक राष्ट्र, नो टीजिंग नो पीजिंग। सर, ये लिखा पढ़ी की बात मत कीजिए, लिखा पढ़ी की बात समझ में आती है। ये पढ़ाई लिखाई की बातें जिस तरह से दुहाई दी जाती है कि नीति और नियम पढ़ लीजिए क्या होते हैं, इन नियमों का पालन करती है क्या कोई भी सियासी दल? सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, आप हमारी 14 सरकार चल रही है। आप देखिए, ऐसा अक्षय जी केवल भाषण नहीं है, आप जाके देख लीजिए उसको। हमें सरकारें चल रही है मध्य प्रदेश में, कृषि सवाल ये कि क्यों टिकट नहीं दिया गया, क्या भागीदारी नहीं होनी चाहिए? नहीं, टिकट तो देखिए, टिकट देखिए, अब हमारी पार्टी तो आप नहीं चलाएंगे अक्षय जी ना, पार्टी तो हम चलाएंगे ना। हमको किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, उसमें हमें भी देखते हैं। नहीं, रामेश्वर पांडे जी, क्यों भरोसा करे वो समाज? ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार भ्रम लोगों का टूटा है, हमारे साथ लोग जा रहे हैं, लोग क्यों भरोसा करें? देखिए, सभी पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ADR की रिपोर्ट देखिए तो सभी पार्टियों ने दागियों को टिकट दिया है, पार्टियों में धनपतियों को टिकट दिया है, जिन पर आरोप लगाए गए, अदालत तक ने आरोप लगे हैं, ठीक है, वो सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन पार्टियों ने टिकट दिया है। तो अब ये कोई दावा करने की स्थिति में कोई पार्टी नहीं है। मैं इस प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान और अपराध की स्थिति, तो सारी चीजें जी। सच्चाई यह है कि केंद्र की के जो मंत्री हैं, नुमाइंदे, प्रदेश की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं, जो जिम्मेदारी प्रदेश की है, और प्रदेश की सरकार जो उनकी जिम्मेदारी है उसको केंद्र पर थोपती है। तो यह राजनीति का एक चलन है और वो जनता को सबके सब भ्रमित कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ यहाँ कि हम लोग विषयांतर होने के बजाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस चरण के चुनाव पर बात करें, तो पहले चरण की भी थोड़ी बात कर ली जाए जी। अलग अलग दावे हैं लोक दल के। पहले चरण में बहुत साफ दिखा कि जो जाट, मतलब एक बात समझिए कि 2000 लोकसभा के नतीजे कभी विधानसभाओं में नहीं दोहराए जाते, वो करिश्मे नहीं होते। अगर वो करिश्मे होते तो दिल्ली के सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा बहुत बेहतर स्थिति में थी और मुंह के बल गिर पड़ी। बिहार में यही स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार, अच्छा, जिन प्रदेशों में भाजपा आई लोकसभा चुनाव के बाद, उनके विधानसभाई चुनाव का प्रतिशत बढ़ता रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की मत प्रतिशत लगातार गिरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 15% सिर्फ मत मिले और सिर्फ 49 सीटें मिली थी। अब कौन सा करिश्मा हो जाएगा? जो जाट
लोग इनके साथ थे, जिस तरह चौधरी चरण सिंह के तीन तीन बंगले कब्जा करके लोग बैठे हुए, एक चरण सिंह जहां जाट जाते थे आपने पानी बिजली काट के उनको किनारे कर दिया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट अपने अपमान का बदला लेने, और दूसरे हरियाणा में जिस तरह से हैंडलिंग हुई है और जाट सेंटीमेंट आहत है, उसका असर वहां भी दिखाई पड़ा, दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह जी के रुख ने बहुत नुकसान पहुंचाया है अखिलेश और वो कॉम्बिनेशन को, लेकिन यह भी सही है कि हर चुनाव में कुल 4-5% वोटों का एक फर्क होता है, चूंकि मत प्रतिशत लगभग 10 से ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं भी बहुत आकलन नहीं कर पा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए कि पिछले चुनाव में जब सपा 30% पाई थी तो भी बसपा 25% पाई थी, लेकिन 150 सीटों का फर्क आ गया था। इस बार लगभग 10% मत बढ़ रहे हैं, ये यूथ मतदाता है, महिला मतदाताएं हैं, तो किसी एक के पक्ष में कोई मुद्दा नहीं, किसी एक के पक्ष में नहीं, लेकिन एक बात है कि नोटबंदी का असर इन क्षेत्रों में जरूर दिखा, क्योंकि जितने छोटे उद्योग थे सबसे ज्यादा प्रभावित वो हुए, तो वो भी है असर, जाति गोलबंदी भी है, धार्मिक गोलबंदी भी है, लेकिन यह सही है कि चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं और आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, 11 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसके हिस्से में क्या कुछ लगने जा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन है उसको ये भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये साथ पसंद कर रही है। लेकिन प्रदीप सिंह जी, एक सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, दोनों में काफी अंतर होता है। जैसा अभी रामेश्वर जी भी कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भले ही आपकी पार्टी को रायबरेली अमेठी में सीट आप लोग जीत जाएं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। सवाल विरोधी पार्टियां ये उठा रही हैं कि आखिर क्या वो वजह है कि प्रियंका गांधी, जिनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, वो भी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंची, कुछ रीजन तो रहा होगा। अच्छा जी, निश्चित तौर पर जब प्रदेश के चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन जिस गठबंधन में और ये देखिए, आप धीरे धीरे आप देख रहे होंगे लगातार हर चुनाव दर चुनाव मतदाताओं की सोच में परिवर्तन आता चला जा रहा है। ट्रेडिशनल राजनीति धीरे धीरे किनारा पकड़ती चली जा रही है, और निश्चित तौर पर बुनियादी मुद्दों पर, बुनियादी सवालों पर जो राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं, जो विकास के एजेंडे को लेकर सामने आ रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। आप कई प्रदेशों के चुनावों का रिजल्ट आप देख सकते हैं। आज दो युवा चेहरे उत्तर प्रदेश की युवाओं के बीच में है, उनसे लगातार हाथ मिला रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का युवा उनके साथ खड़ा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप सवाल कर रहे थे कि आपने उत्तर प्रदेश में एक भी अल्पसंख्यक को टिकट क्यों नहीं दिया। ये देखिए, ये बड़ी रणनीति के तहत इन्होंने ये काम किया, एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है कि बहुसंख्यक आबादी का जिसका ये नेतृत्व करने की बात करते हैं, उनमें से भी ये किसके साथ खड़े हैं। सबसे पहली बात, इनके संघ के लगातार एक नेता नहीं, लगातार आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले आइए, लगातार आरक्षण के विरोध में इनके बयान आते रहे हैं, और इनकी आज से नहीं, आजादी के पहले और आजादी के बाद की स्थिति देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर एज ए कानून मंत्री जब महिला उत्थान के लिए हिंदू कोर्ट बिल लेकर आए थे, इसी आरएसएस ने, संघ के लोगों ने न सिर्फ उनका विरोध किया था बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नेहरू और अंबेडकर के पुतले भूखे थे। तो ये निश्चित मान लिया जाना चाहिए, ये महिला विरोधी भी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी भी है, और ये बैकवर्ड और दलित विरोधी भी है। इनके गुरु भीमराव बलिराम हेडगेवार का बयान था आजादी के आंदोलन में ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ, जब नौजवान उनके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा था, तो इनके नेता का बयान था कि हमें हिंदू युवाओं को अपनी ताकत का इस्तेमाल इस देश के अल्पसंख्यक दलित और महिलाओं के खिलाफ करना चाहिए, न कि ब्रिटानी। अरे सर, लफाजी वाली बातें ना करिए, मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, है ना सर। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सर इस बात का जवाब दीजिए कि अभी तक आप लोग यूपी बिहार का नारा बुलंद कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि ये याराना पसंद है। ठीक है, चंद्रभूषण जी, ये मुद्दा है,
लखनऊ। चंद्रभूषण जी आऊंगा आपके पास, विषयांतर करके बात कही थी कि आप चंद्रभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी इस बात का सवाल दीजिए कि आपका गठबंधन भले ही हुआ, जो भी आपके हिस्से में सीटें आई हैं उनमें से ज्यादातर सीटें वही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कमजोर रही है, और यह भी एक रोचक बात है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा मजबूत स्थिति में रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है ना सर। बाकी रही बात अमेठी रायबरेली की, प्रदेश की, अच्छा जी प्रदेश की आवाम की बेहतरी के लिए यानी कि एक बड़े लक्ष्य के लिए अंकों के फेर में नहीं पड़ा जाता। आज स्थितियां क्या, आज आज प्रदेश को ऐसी ताकतों से बचाना है जो जिनकी सरकारें जब उत्तर प्रदेश में आती है न सिर्फ उत्तर प्रदेश जलता है बल्कि पूरा हिंदुस्तान जलता है। जगदेव सिंह जी ये कानून व्यवस्था की जब ये बात ठीक है, जगदेव सिंह जी कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, प्रदीप सिंह जी कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही जो आपकी पार्टी के जो सहयोगी हैं मंत्री भी हैं वो तो कह रहे हैं कि राक्षसों को मारने के लिए छोटे छोटे शैतानों से हाथ मिलाना पड़ता है, तो इस तरह में दोस्ती कैसे परवान चढ़ेगी। देखिए अभी जो इन्होंने कहा सबका विकास सबका साथ, सांप्रदायिकता की बढ़ाने काम करते, इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और आप ये भी देख लीजिए जब चुनाव आता है मंदिर की बात करते हैं, तीन तलाक की बात करते हैं, क्या है ये सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर लेना चाहते हैं। हम जात ज्ञात आधार पर हमने सबका काम किया है, मजदूरों के लिए मैंने साइकिलें बांटी सब किया, मैंने खुद बांटी, मैंने नहीं देखी कि जात किस धर्म का है। और अखिलेश यादव ने पहले कितनी दुर्दशा थी उत्तर प्रदेश, उनके सत्ता में आने के बाद किस तरह से बिजली व्यवस्था हुई, आज 87,000 मेगावाट को बढ़ा करके 17,000 मेगावाट कर लिया। आज 24 घंटे शहरों में देहातों में 16 से 20 घंटे दी जा रही है। सर जो घोषणा पत्र में तो 24 घंटे बिजली का फिर जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हमने जो वादे थे सारे पूरे कर दिए, अभी भी आप लोग ये बात कह रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आप महोबा ले लीजिए, महोबा ले लीजिए, सर कुछ खास जगहों की बात छोड़ दीजिए, सैफई रामपुर लखनऊ इन जगहों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी का हाल भी ठीक नहीं है। मैंने पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, और रही बात आपने कहा कि अखिलेश यादव ने हर तबके के लिए विकास के काम किए हैं, नेता जी ने तो खुले मन से कहा, आपकी पार्टी के संरक्षक ने तो खुले मन से कहा ना कि अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक समुदाय लोगों के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ये तो आपकी पार्टी के संरक्षक कह रहे हैं। अल्पसंख्यक अगर, अरे मैं कह रहा अल्पसंख्यक अगर विश्वास किसी में है तो माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। 20% करी गए, उनको हिस्सेदारी दी गई है, उनको 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 नौकरियां दी, आरक्षण का वादा आप लोगों ने पूरा किया 2012 विधानसभा चुनाव में था ना वादा। देखिए एक वैधानिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षण दिया सकता, जितना दिया जा सकता हमने दिया। हमने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में डालने किया, अनुसूचित डाल दिया, उनको देने प्रयास किया, इनको भी जो हमारे वादा किया था वो वादा पूरा किया, स्तर पर इनको बढ़ाने काम किया, आरक्षण का वादा किया था सारे वादे पूरे किए। पहली पार्टी पहली मैं कह रहा आरक्षण में क्यों नहीं किया, हमने तो सत्ता हरिजन की श्रेणी में डाल के जातियों को जो हमारे अति पिछड़े थे उनको हरिजन बना, उनको अनुसूचित वर्ग में लेकर के उनको देने का आरक्षण प्रयास किया। अब जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके खिलाफ, अब केंद्र सरकार इनकी है, इनको चाहिए 2/3 बहुमत है, कानून परिवर्तन करके ला दे उसमें, ठीक है। लेकिन अखिलेश सरकार ने अल्पसंख्यकों को लेकर राजेंद्र शर्मा जी सबने सबके लिए काम किया है जी, ठीक है, कोई है ही नहीं। तो सर आपकी पार्टी के संरक्षक बार बार कहते हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुस्लिम समाज के लिए नहीं किया, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं, बोल दीजिए कि नेताजी झूठ बोल रहे हैं। नेताजी झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कभी कोई बात क्षणिक इसमें हो जाती है, लेकिन अखिलेश यादव को जब तारीफ की उसकी आप बात क्यों नहीं करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर कहा सरकार ने अच्छा काम किया, कई बार यहाँ का अच्छा काम किया, उसको आप क्यों भूल जाते हैं? सर खुले मंच पर ये भी कहा है कि बात हो गई, सर खुले मंच पर राजेंद्र शर्मा जी नेताजी ने खुले मंच पर ये भी कहा है कि जमीनों पर खूब कब्जे हुए हैं, कब्जे छोड़ दीजिए दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा, ये बात याद नहीं रहती, तारीफें याद रहती है। और अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है, एक विधायक का यहाँ पर दस्तीकरण किया है और एक शुक्ला को दस्तीकरण किया है और अपराधियों को रोकने प्रयास किया है, चाहे डीपी यादव हो, घरेलू झगड़े अमय मट त्रिपाठी हो, अतीक अहमद आज जेल में है, काफी अखिलेश यादव को सोच रहे वैचारिक मतभेद की वजह से भी तमाम सारा हल हो गया, पहले आप चार मुख्यमंत्री पांच कहते थे, आज अखिलेश यादव बहुत ही स्ट्रांग
और आने से ऊपर साबित हो गए, लोगों ने मान लिया कि नहीं ले सकते हैं और करके दिखा दिया है, काम करके दिखाया है। संसद के चुनाव नतीजे आने में अखिलेश यादव पांडे जी मोदी से बहुत आगे हो गए, इसलिए लोग घबरा रहे हैं, घबरा गए हैं। आगे क्या होने वाला है? असेंबली में दिया सर, बढ़ा हुआ मतदान कुछ कहता है, नियत ठीक है, नियत पर संदेह है जो खेल के पक्ष में आए जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा, दावे बहुत हैं भाजपा के भी सपा के भी, लेकिन नेताजी ने यूं ही नहीं कह दिया था, जितने भी अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं हैं सारी योजनाओं का 70% धन लौट गया है, ये इस सरकार में लौटा है अखिलेश की। और आप पता क्या करें, बात कर लेंगे एकदम सही बोल रहे हैं, क्या प्रूफ है इसका? नहीं नहीं, तो है तो गया। नीति आयोग का पूरा रिपोर्ट, जब बातों को पूरा करने की बात संवैधानिक प्रक्रिया का जब सवाल पूछे जाते हैं, जब कहा जाता है कि नहीं भाई हमने जो वादे किए थे पूरे कर दिए, लेकिन उसके बावजूद जब अगला मैनिफेस्टो आता है तब उन्हें भी उनकी बात का जिक्र करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तो मचा हुआ है, सभी पार्टियों के अपने अपने तरफ से दावे खूब किए जा रहे हैं। दो चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, दावे सब कर रहे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अब सामने आ रहा है मतदाता, कहा जा रहा है कि यूपी में ना कोई लहर है ना किसी मुद्दे का असर है, फिर भी मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। क्या इस बार तमाम दिग्गजों के गढ़ में सेंध लगने की बातें सामने हैं, क्योंकि दावे भी कुछ इस तरह से किए जा रहे हैं? हकीकत साफ तब होगी जब 11 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे, तब ये पता चल पाएगा कि किसके दावों में आखिर कितना दम है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।